कोडरमा के चंदवारा प्रखंड खांडी मुखिया पति पर आगजनी व रंगदारी मांगने का पंचायत निवासी राजेश पांडे ने आरोप लगाया। बता दें कि भूमि विवाद को लेकर मुखिया पति विजय यादव व अन्य लोग हरवे हथियार के साथ आकर बने झोपड़ी नुमा सेड में आग लगा देने एवं जान से मारने के प्रयास को लेकर राजेश पांडे ने थाने में आवेदन देकर कहा कि मुखिया पति 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग करते आ रहा था, जो रुपए नहीं देने पर 5 दिन पूर्व ग्रामीणों को भड़काकर पूर्वज की जमीन हड़पने के ख्याल से लगे दर्जनों पेड़ को जेसीबी मशीन द्वारा उखाड़कर ट्रेंच काट दिया, जो थाना एवं जिले के वरीय पदाधिकारियों को लिखित सूचना दिए थे, जिसमें अंचल द्वारा जांच कर उपरोक्त विजय यादव, लक्ष्मी साव व अन्य पर बिना सूचना दिए पेड़ को गिराने तथा ट्रेंच काटने को लेकर चंदवारा थाने में मामला दर्ज करवाया जा चुका है। इसी संदर्भ में उपरोक्त लोग आवेदन वापसी का दबाव बनाते हुए सेठ को आग के हवाले कर दिए, जिससे जमीन के जरूरी कागजात व कई सामान जलकर राख हो गया। वही मुखिया पति विजय यादव ने बताया, ग्रामीणों को बेवजह फंसाया गया है और आगजनी का बिल्कुल झूठा व बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, जो कि ये जमीन हम लोग को बहुत पहले से तालाब है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पंचायत पुराना पंचायत भवन है और कुछ खेलने के लिए आगे जगह है। और इसी बीच में पासवान जी और चौकीदार के जी के बीच में तुतुमे हुआ, तो कागज पत्र के बैठे पूरा गांव बैठ गए हम लोग, और गांव बैठे तो दोनों को हम लोग कागज मांगे तो उस 10 एकड़ 72 डिसमिल को कागज दिखाए हम लोग, तो 10 एकड़ 72 डिसमिल को कागज दिखाए तो हम उनको बोले कि देखिए आपको 1 से 2 महीने हम लोग समय देते हैं, आप अंचल अधिकारी हो गया, SDO हो गया, जितने भी बड़े बड़े जो पदाधिकारी लोग हैं उन लोग से समझिए, बुझिए और बुझ करके यदि जो उन लोग जो जनविन जो फैसला देगा उस बीच में गांव को रखिए, गांव को बैठाइए और जो मान के चलिए ऊपर जो आपको फैसला होगा वो चीज हम लोग मानने लिए तैयार हैं। लेकिन वो आज तो वो काम किया नहीं, और नहीं काम किया तो फिर हम लोग आपस में पूरा गांव बैठे और गांव बैठ के पूरा हम लोग ट्रेंच कोड़ दिए, और कोड़ने के बीच में जो भी हम लोग 5 लाख का जो लेवी हमारे ऊपर लगाया है वो सारा सर गलत है। दूसरी बात है कि कल उनका जो घर में जाकर ये आग लगा है वो भी पूरा ग्रामीण हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, और आज जो 10 एकड़ 72 डिसमिल जमीन जो है जो विवादित है पूरे गांव पूरे समाज उसमें, इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं है, यदि एक इंची भी जमीन होगा तो सभी कास्ट का अधिकार है और सभी का बच्चा खेलेगा वहाँ। लगभग जो है 200-300 पेड़ था जो बर्बाद कर दिया गया, और जब उसका FIR दर्ज किया उसके जुर्म में हम लोगों को रात में आकर के और पेड़ पहले वहाँ से हटाने लगे, हल्ला करने पर घर को घेर लिए, घेरने के बाद हम लोग को मारने का प्रयास किया गया, जब जान बचा के भागे तो हमारा इस घर में हम लोग सोते बैठते थे, हमारे बाबूजी यहाँ सोए हुए थे जो कि आग लगा दिया गया, तो किसी तरह जान बचा के भागे हैं। और अभी हमारे साथ ऐसा परिस्थिति है कि घर छोड़ के भागने के परिस्थिति में हैं, जो हम लोग पूरे परिवार दहशत में हैं। जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, JNews, कोडरमा।